वो भाषा ही एक ऐसे मत भाषा है जो दो दो राज्य का अनुशंसा प्राप्त होते हुए भी ये अष्टम अनुसूची में शामिल नहीं होना, ये दुर्भाग्य की बात। अष्टम अनुसूची में इस बार शामिल नहीं होता है जो खनिज संपदा एरिया है जिससे पूरा देश को आर्थिक आय प्राप्त होती है। हम अनिश्चितकालीन आर्थिक नकेबंदी करेंगे। सदन में इस बात को रखा जाए, पूरी जोर शोर से रखा जाए कि हमारे भाषा भी राष्ट्रीय पहचान मिलना चाहिए। अगर नहीं माना जाता है तो हमारी पुरानी भाषा को निश्चित रूप से संविधान में जगह मिलनी चाहिए, इसीलिए सरकार को हम लोग आगाह कर रहे हैं। नहीं तो जो हम लोग बात बोल रहे हैं निश्चित तौर पर अनिश्चितकालीन के लिए बंद कर देंगे तो सरकार अपने आप दौड़ के आ जाए। तो निश्चित रूप से अनिश्चितकालीन के लिए हम लोग यहाँ पे अपनी पूरा आर्थिक नकेबंदी कर देंगे। जिस कानून के माध्यम से अपना सरकार चला रही है उसी चीज का हवाला देते हुए हम अपना बात को रख रहे हैं। यदि नहीं सुनती है, आंदोलन जारी रहेगा लेकिन स्वरूप जरूर बदलेगा और ये आंदोलन का स्वरूप उग्र होगा। यदि उग्र आंदोलन में हम लोग उतर जाते हैं जिसमें अगर क्षति होती है, जिसमें अगर जनसमूह का नुकसान होती है, इसका जिम्मेदार हो भाषा भाषी लोग नहीं, ये सरकार होंगे। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं जनहित आवाज। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर। मेरे पीछे आप तमाम भीड़ देख पा रहे होंगे, बहुत बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर लोग मौजूद हैं। ये पूरे देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मांग है इनकी भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में इनको वो शामिल कर दिया जाए। क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने प्रदर्शन के बारे में? आज हम लोग एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में आए हैं, ये आज पहली बार नहीं है। इससे भी पहले हम लोग 2012 में आए थे, फिर 18 में आए, 22 में आए, ये 23 में आए और हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए धरना प्रदर्शन चलते आ रहा है। अब हो भाषा एक ऐसे भाषा है कि 2003 में झारखंड सरकार से अनुशंसित हुआ है अष्टम अनुसूची में शामिल कराने के लिए। फिर 2011 में उड़ीसा सरकार ने इसको 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए इसको अनुशंसित किया है। इससे पहले हो भाषा 1972-73 में ये द्वितीय भारतीय भाषा का दर्जा प्राप्त कर चुका है, उसके बावजूद भी ये अष्टम अनुसूची में शामिल ना होना ये बहुत बड़ा सवाल पैदा करता है। क्यों शामिल नहीं किया जा रहा है? बस हम यही पूछना चाह रहे हैं कि सीताकांत महापात्र समिति जब ऑलरेडी अनुशंसा कर चुका है 38 भाषा को अष्टम अनुसूची में शामिल कराने के लिए, तो अभी तक मात्र 22 भाषा को ही राष्ट्रीय भाषा का दर्जा क्यों दिया गया? बाकी के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है जबकि ये अष्टम अनुसूची में शामिल होना चाहिए? हो भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं होने के वजह से हमारा जो भाषा संस्कृति ये विलुप्त होने के कगार पे है। हम पूरा भारत में अलग अलग क्षेत्र में फैले हुए हैं और ये अष्टम अनुसूची में शामिल नहीं होने के वजह से हम UPSC जैसे एग्जाम हम हो भाषा में देने नहीं सक रहे हैं। हम IAS ऑफिसर अपना भाषा से नहीं बन पा रहे हैं। हम कहीं पर कलेक्टर नहीं बन पा रहे हैं। कहीं पे हम सांसद और विधायक जब आते हैं तब आपकी भाषा की बात करते हैं, वोट लेने जब आते हैं? वोट लेते समय तो आज तक किसी सांसद या विधायक ने हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए या हो भाषा से पढ़ाई होने के संबंध में आज तक ये राजनीतिक मुद्दा नहीं बना, जबकि ये अभी हो सकता है ये 2024 को देखते हुए ये संसद महोदय उपस्थित है, विधायक महोदय उपस्थित है, जिला परिषद अध्यक्ष उपस्थित है, हो सकता है ये आगे आने वाले चुनाव में ये राजनीतिक मुद्दा बने और बनता है तो ये अच्छी बात है। आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए क्या कोई आपने कंडीशन रखी है कि अगर नहीं किया जाता तो फिर क्या करेंगे, कुछ सोचा? जी हाँ, अभी ये कंडीशन रखा जाएगा कि अगर आने वाला चुनाव से पहले ये हो भाषा का 8वीं अनुसूची में ये संसद महोदय जिस तरह से आज आश्वासन दी है ये फिर से इसको दोबारा लोक आश्वासन क्या दिया गया ये लोकसभा में फिर इसको आवाज़ उठाए कि हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए। अगर ये फिर भी अगर नहीं होता है तो हमारा जो जितने संगठन है जिन लोगों के साथ हम लोगों ने बात किया, इससे पहले हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कराने का एक जनजागरण अभियान 300 किलोमीटर हम लोगों ने पैदल यात्रा की 15 दिवसीय, उसमें भी लोगों को हम लोगों ने बताया कि अगर पैदल यात्रा कहाँ से कहाँ तक किया? हम लोग का औधगुरु को लकोबदरी जिसने वारंगचिती लिपि की खोज किया है उनके जन्म स्थली से शुरुआत करके पूरा हम लोग अपना जिला कवर करके 300 से ज़्यादा किलोमीटर हम लोग चला और इसको समाप्त किया हम लोग जोड़ापुकर झिकपनी में। इसमें जितने जनसमर्थन मिला इस जनसमर्थन के माध्यम से ही हम ये चीज़ बोल रहे हैं कि अगर अष्टम अनुसूची में इस बार शामिल नहीं होता है तो कोल्हान
जो खनिज संपदा एरिया है जिससे पूरा देश को आर्थिक आय प्राप्त होती है, हम अनिश्चितकालीन आर्थिक नकेबंदी करेंगे जब तक कहाँ कहाँ से आए हैं तमाम लोग जो है, तमाम लोग जो आए हैं, सबसे पहले तो झारखंड से आए हैं, उड़ीसा से आए, बंगाल से आए, आसाम से आए, छत्तीसगढ़ से आए, दिल्ली से आए हैं, मध्य प्रदेश से आए हैं, जहाँ जहाँ से, यहाँ तक कि कर्नाटक से भी हम लोग का हो भाषा के संविधान में अठवीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए ये धरना प्रदर्शन में आए हुए हैं। आसाम से भी आए हुए हैं। तो यहाँ पर जितने भी सारे लोग आए सभी हो भाषी हैं। और जैसे कि आसाम की जब बात आ रही है, और हो भाषा वहाँ मान्यता प्राप्त नहीं होने की वजह से आसाम सरकारी मतलब राज्य स्तर पर अपने आवाज़ उठाई है, राज्य सरकारों का क्या रिस्पांस रहा है? पहले ही मैं बोल चुका हूँ, राज्य पे हम लोगों ने आवाज़ उठाया, राज्य सरकार ने, झारखंड सरकार ने 2003 में हो भाषा आठवीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए अनुशंसा करके भेजा। उड़ीसा सरकार ने 2011 में अनुशंसा करके भेजा। हो भाषा ही एक ऐसे मत भाषा है जो दो दो राज्य का अनुशंसा प्राप्त होते हुए भी अष्टम अनुसूची में शामिल नहीं हुआ है। ये द्वितीय भारतीय भाषा प्राप्त होते हुए भी, झारखंड में द्वितीय राजभाषा का प्राप्त दर्जा प्राप्त होते भी ये अष्टम अनुसूची में शामिल नहीं होना ये दुर्भाग्य की बात है। अगर इस बार लोकसभा चुनाव आने में है, इस बार अगर बात नहीं की जाती है भाषा के बारे में, कोई आपको पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलता, क्या करेंगे फिर? जी वही है, अभी जैसे संसद महोदय ने कही, खुद के यहाँ उपस्थित भी है, तो साफ तौर पर हमारा कहना है कि आप हमारा समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, तो आपका दायित्व बनता है कि सदन में इस बात को रखा जाए, पूरी जोर शोर से रखा जाए कि हमारे भाषा भी राष्ट्रीय पहचान मिलना चाहिए, ये उसको बात रखना चाहिए। अगर नहीं रखा जाता है, अगर रखने के बावजूद भी कोई सरकार की इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आती, तो निश्चित तौर पर सर ने जो कहा कि हमारे क्षेत्र पूरे भारत देश को चलाती है, हमारा झारखंड ऐसा क्षेत्र है जो खनिज संपदा से बड़ा राज्य है, और जिस हम सिंहभूम की बात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा वहीं खनिज संपदा है झारखंड में, और वही इसे हम लोग सबसे अधिक लोग आते हैं, तो निश्चित रूप से अनिश्चितकालीन के लिए हम लोग यहाँ पे अपनी पूरा आर्थिक नकेबंदी कर देंगे अगर नहीं माना जाता है। तो दो अभी सर ने कहा कि दो दो स्टेट से रिकमेंडेशन मिला है केंद्र सरकार को, तो इस पर अभी तक इस पर अब क्यों सरकार इस पर आगे नहीं बढ़ रही है? तो यही चीज़ है, अगर नहीं करती है तो पूरा समुदाय एक मत है, एकजुट है अपनी पहचान को पाने के लिए, तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार को भी हम लोग कहा देना चाहते हैं, दिल्ली का घेराव करेंगे। दिल्ली का घेराव दूसरी चीज़ है, पहले हमारा क्षेत्र में ही हम अगर पूरी तरह से अनिश्चितकालीन के लिए हम पूरा लौ आयस को बंद कर देते हैं तो सरकार अपने आप हमारे पास आकर के बात करेगी, तो हम ये साफ साफ हम संदेश देना चाहते हैं। सरकार जो है ना सुनने के लिए भी फेमस है। जी जी, वो तो सबको ही को पता है, पूरा देश के लोगों को पता है कि सरकार नहीं सुनती है, लेकिन हम लोग के पास वो क्षमता है जो सरकार अपने आप सुनने लगेगी। आज तक हम लोग वो काम नहीं किए हैं जो करना चाहिए, तो हम लोग ये दोबारा अभी तक में तीन बार आए हैं। धमकी दे रहे सरकार को? सरकार को धमकी नहीं दे रहे हैं, ये सचेत कर दे रहे हैं, आगाह कर दे रहे हैं कि आप मानिए हमारा, आपको आप कुछ दिन पहले से, दो साल पहले आपको पता होगा कि वैज्ञानिकों ने कहा था कि हमारा जो सिंहभूम है पूरे दुनिया का सबसे पहला ये वहाँ से निकला हुआ क्षेत्र रहा है, तो निश्चित रूप पर हमारी भाषा संस्कृति सबसे पुरानी है, तो हमारी पुरानी भाषा को निश्चित रूप से संविधान में जगह मिलनी चाहिए, इसीलिए सरकार को हम लोग आगाह कर रहे हैं, नहीं तो जो हम लोग बात बोल रहे हैं निश्चित तौर पर अनिश्चितकालीन के लिए बंद कर देंगे तो सरकार अपने आप दौड़ के आ जाएगी। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, अगर नहीं सुनती है सरकार तो क्या करेंगे? देखिए अभी बात, हम लोग लगभग 1000 किलोमीटर दूरी तय करके जब हम लोग दिल्ली आए हुए हैं, हम लोग कहीं ना कहीं अपना बात को एक संवेदनशील तरीके से बात कर रहे हैं। जिस देश में, जिस संविधान के दायरे में रह करके लोकतंत्र में या फिर अभी संसद चुन करके आते हैं, उसी संविधान का हवाला देते हुए हम आपको ये बता देना चाहेंगे इस चैनल के माध्यम से, 1951 में जनप्रतिनिधित्व कानून का हवाला देते हुए 29 आर्टिकल ये कहता है कि आपका जिस क्षेत्र के भाषा भाषी लोग हैं वो लोग अपना भाषा संस्कृति का संरक्षण इसी अनुच्छेद के तहत ही लोग कर सकते हैं। आज सरकार जिस कानून के माध्यम से अपना सरकार चला रही है उसी चीज़ का हवाला देते हुए हम अपना बात को रख रहे हैं। यदि नहीं सुनती है तो अभी जैसा कि सर लोग कहा, पूरे अभी ये हमारा तीसरा आंदोलन रहा है यहाँ पे, ये हम लोग का अंतिम होगा, इसके बाद आंदोलन जारी रहेगा लेकिन स्वरूप जरूर बदलेगा, और ये आंदोलन का स्वरूप उग्र होगा और इस उग्र को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बढ़ सकता है, अगर सरकार इस बार अगर ये काम नहीं करती है तो आने वाले समय में इस यही जन समूह
इसका बृहद पैमाने में जो है बड़े आंकड़ा में बड़े आबादी में पूरे क्षेत्र में जो हमेशा हमेशा के लिए जब तक हमारी बात नहीं मानते तब तक लोग लगा देंगे। अगर इतनी बड़ी संख्या में ये आबादी अगर नहीं मानती है, अगर हमारी भाषा को संरक्षण नहीं मिलती है, बड़ी आबादी में हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इसीलिए सरकार से ये है, आप हमें इस प्रकार से उग्र आंदोलन करने को मजबूर ना किया जाए। यदि उग्र आंदोलन में हम लोग उतर जाते हैं, जिसमें अगर क्षति होती है, जिसमें अगर जनसमूह का नुकसान होती है, इसका जिम्मेदार हो भाषा भाषी लोग नहीं, ये सरकार होंगे। तो आपने सीधे इन लोगों से सुना कि लोगों में आक्रोश है, साफ तौर पर ये चैलेंज दे रहे हैं सरकार को कि अगर सरकार नहीं सुनती है तो ये आंदोलन इनका और बढ़ेगा और उसका प्रारूप बदल सकता है, कुछ और बड़ा हो सकता है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन तौहीद के साथ ब्यूटी गिरी, जनहित आवाज़।